हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। भारत एक घनी आबादी वाला क्षेत्र और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। बच्चा 14-15 साल का हुआ, भेज दिए उसको कमाने के लिए पानीपत, असम, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता। बच्चा पैसा भेज रहा है और घर का जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गार्जियन की कमाई नहीं है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी हैं जो मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके, चना बेच के, बादाम बेच के, एक राज्य से दूसरे राज्य जा कर के, कई अपने देश को छोड़ कर के बाहर के देशों में, खाड़ी के देशों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर सरकार की तरफ से सिर्फ कहा जाता है कि जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर आप अपने बच्चे का दाखिला कराइए, हम स्कॉलरशिप वगैरह के साथ साथ आपका एजुकेशन भी सही दे रहे हैं, लेकिन जो भी हेडमास्टर हैं या जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं उनके बच्चे को कभी भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं देखिएगा। खैर छोड़िए, बात हम कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में। सरकार की तरफ से कई सारे स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं जिसकी जानकारी हम आपको YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में बताया था, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर अब बिहार सरकार की तरफ से भी एक और वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है, आप उसके बारे में ही बताओ। इस पर एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर जो बिहार सरकार की तरफ से जो वेबसाइट बनाया गया है ये बिल्कुल NSP की तरह है, अगर हम NSP में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर करें या फिर नहीं करें, दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, आखिर बिहार सरकार ने इस वेबसाइट को क्यों लॉन्च किया, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक और स्कॉलरशिप योजना के बारे में। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी है, क्योंकि गार्जियन, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें क्या पता कि बच्चे को क्या स्कॉलरशिप मिलता है, पैसा भी मिलता है क्या, नहीं पता। बच्चे आवारा में, कुछ लापरवाही में, कुछ नासमझी में फॉर्म भी नहीं भरते हैं। आपको बता दें सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारे स्कीम चलते हैं जिससे आपके बच्चे को डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है और आपका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाता है कुछ करने के लिए। जैसे हर साल मैं बात कर रहा हूँ बेगम हज़रत महल, ठीक है, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। पैसा कितना मिलता है, सबसे पहला आपका सवाल, 6,000 रुपये हर साल। किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स। क्या क्राइटेरिया है, कौन गर्ल्स, आइए पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं, चिंता लेने की बात नहीं है। मैंडेटरी जो कम्युनिटी के गर्ल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। अब मैंडेटरी में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंडेटरी में आपका मुस्लिम आ गया, जैन आ गया, पारसी आ गया, सिख आ गया, क्रिश्चियन आ गया और बुद्ध आ गया, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इन समुदाय के जो भी लड़की हैं, जो भी बच्ची हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका एक और सवाल होगा, मेरी बच्ची पहली क्लास में पढ़ रही है, दूसरी क्लास में पढ़ रही है, तीसरी क्लास में पढ़ रही है, चौथी में पढ़ रही है, क्या हम आवेदन दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी 9, 10, 11, 12 तक ये योजना का लाभ मिलता है। अगर इस क्लास में आपकी बच्ची पढ़ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछला सेशन 2020-21 का बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा सेंड कर दिया गया है। अभी हम थोड़ी देर में आपको PC स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आप स्टेटस स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम दस्तावेज की। तो अभी तक जो लिया जा रहा है, मार्कशीट, रेसिडेंट्स यानी आवासीय सर्टिफिकेट, बोनाफाइड जो कि स्कूल से बनवाना होता है, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे सिंपली, आपका फ़ोटो, आधार कार्ड और खाता की छाया प्रति, बस इतना ही कुछ लग रहा है। 6,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलता है। ये पैसा कौन देती है, इस संस्था को कौन चलाता है, तो आपको बता दें मौलाना आज़ाद के तरफ से ये संस्था चलाया जाता है, जिसमें जो भी यहाँ पर मैनेटरी कम्युनिटी के जो बच्ची हैं, जो लड़की हैं, उनको कुछ सहायता मिल सके, और हर साल यहाँ पर मिल रहा है और अपने भविष्य, जो उनके ड्रीम है, जो उनके सपने हैं, उसको पूरा कर सके। पहले इसमें जो नियम था,
फिजिकल तौर पर आपको ऑनलाइन करके दस्तावेज सेंड करना होता था, फिजिकल तौर पे, यानी जो भी मांगा जा रहा है, आवासीय आय, आधार और आपका पासबुक छह पत्र, ये फिजिकल तौर पे भेजा जाता था। अभी आपको स्कैन करना है, अपलोड कर देना है, पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आता है। तो चलिए, अब हो चुका है साला करियर, हमने आपको बता दिया। बाकी अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी, हालांकि टाइम टू टाइम इसको चेंज भी कर दिया जाता है। एक हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर एक बच्ची का, तो चलिए हम इसका चेक करके हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि पैसा आ गया है या फिर नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार रेड कलर का बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप हमसे बातें कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मनचाहे टॉपिक पर वीडियोज़ बनवा सकते हैं। तो चलिए ना शुरू करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, ये पिछले वर्ष का दिखा रहा है अभी, फॉर एकेडमिक ईयर्स 2020-21, ठीक है। 21-22 अभी चालू नहीं हुआ है, 2021 और 2022 जब चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अलग से ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस पूरा, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पूरा इस तरह का ये इंटरफेस है। ओनली फॉर गर्ल्स, अप्लाई फॉर क्लास 9, 10, 11 और 12, स्कॉलरशिप ओनली फॉर 6 नोटिफाइड मैंडेटरीज, ठीक है, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, क्रिश्चियंस एंड बौद्ध, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका अबाउट दिया गया है, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, देख सकते हैं आप यहाँ पर 6,000 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, सारा कुछ जानकारी दिया गया है विस्तार से, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो इसको क्या करिएगा, इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, स्टेटस कैसे चेक करना है, स्टेटस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, 9, 10, 11, 11th का चेक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से चूज़ करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, कई बार आधार नंबर आपका यहाँ पर इधर आ जाता है तो बेहतर है आप बैंक अकाउंट नंबर से यहाँ पर सर्च करें, ठीक है। यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे और बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे 8+4 तो 12 यहाँ पर फिल करके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक कर देंगे। चलिए फिल करके हम व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर लेते, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, नाम देख सकते हैं नगमा परवीन, और यहाँ स्टेटस में आपका क्रेडिटेड दिखा रहा है, यानी आपके पैसे जो हैं आपके खाते में सेंड कर दिया गया है। अगर आपका कैंसिल होता किसी भी प्रकार से तो वो रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता, तो इसका मतलब है कि पैसे आ चुके हैं और जब बैंक में जा करके इन्होंने चेक कराया तो इनके खाते में पैसे आ चुके हैं कब के, ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इंतज़ार रखिए, 2021-22 जैसे ही चालू होता है, और अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने में आप देरी मत कीजिएगा, और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा इस पर या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।